हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेकअप के प्रोडक्ट दिखाए थे। तो गाइस, वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसमें मैं अपनी ज्वेलरी और जो मैंने एसेसरीज़ वगैरह खरीदी है वो मैं नहीं दिखा पाई, इसलिए मैं इसका पार्ट टू करके बना रही हूँ। आई होप यू गाइस, आपको भी सभी आइटम्स पसंद आएंगे जो मैंने मुंबई से ख़रीदे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप नोटिफाइड रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। और गाइस, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कीजिए। फर्स्ट मैंने एक ये सीक्वेंस का छोटा सा बैग खरीदा है। मुझे सीक्वेंस काफ़ी अच्छे लगते हैं और मुझे सीक्वेंस की ड्रेसेस भी बहुत ही अच्छी लगती है। सीक्वेंस मेरा काफ़ी फेवरेट है। गाइस, इसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है। यह बैग किसी भी पार्टीज वगैरह में या कहीं पर भी आप जाएँ तो बहुत ही सुंदर लगते हैं इस टाइप के बैग। यह गोल्डन सीक्वेंस में है। नेक्स्ट गाइस, मैंने ये पाउचेस खरीदे हैं। यह पाउचेस आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग सामान वगैरह रखने के काम आते हैं, नहीं तो आप घर पर भी इसमें अपने लिपस्टिक वगैरह या कोई भी कॉस्मेटिक मेकअप का सामान रखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इनका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है। मैंने इस टाइप के पाउचेस ख़रीदे हैं। मैं जब भी जाती हूँ इस टाइप के पाउचेस ज़रूर लाती हूँ। आप इस टाइप के पाउचेस ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इनमें आराम से आपकी चीज़ आ जाती है और आपकी चीज़ हर एक जगह सेट रहती है, वरना कई बार क्या होता है हम एक ही जगह सबको रख देते हैं जिससे वो मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट गाइस, मैंने कुछ ज्वेलरियाँ ख़रीदी है। मैंने ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं ख़रीदी क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी थी और काफ़ी मैंने इनको ख़रीदने में बार्गेनिंग कराई है। इनकी प्राइस मुझे 450 रुपीज़ बताई थी, जिनको मैंने कम करा के 200 रुपीज़ में ली है। मुझे इस टाइप के पैंडल वाली ज्वेलरी काफ़ी अच्छी लगती है जो कि ट्रेडिशनल लुक देती है। इन्हें आप किसी भी लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस के ऊपर पहनिए, ये बहुत ही सुंदर लगती है। इंडो वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेसेस के ऊपर भी इस टाइप की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। एक मैंने ये सिल्वर ऑक्सीडेंट में हार खरीदा है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इस टाइप के हार नेकलेस जो होते हैं वो इंडियन ड्रेसेस के ऊपर काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये ख़राब भी नहीं होते हैं, और इसका प्राइस भी 200 रुपीज़ है जो मैंने कम करवाया है। मुझे ज्वेलरी तो काफ़ी अच्छी लगती है बट वहाँ काफ़ी महंगी थी। एक मैंने ये ऑरेंज में ही रेड खरीदा है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों का पहनने का पर्पस एक ही है, वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर। गाइस, मैंने ये सनग्लासेस खरीदे हैं। मुझे सनग्लासेस काफ़ी अच्छे लगते हैं और सनग्लासेस सभी के पास होने चाहिए। अगर आप भी कहीं धूप में बाहर जाते हैं तो सनग्लासेस जरूर लगा के जाइए जिससे आपकी आंखें ख़राब नहीं हो और आंखों में कोई भी डस्ट वगैरह नहीं जाए। तेज़ धूप में क्या होता है, आँखों में जलन होने लग जाती है, इस वजह से आप सनग्लासेस जरूर लगा के जाइए। मैंने ये दो खरीदे हैं और इन दोनों का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, ठीक है प्राइस के अकॉर्डिंग। गाइस, मैंने ये इयररिंग्स ली हैं। एक मैंने ये रेड कलर के इयररिंग्स ली हैं। इनका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, और ये जो रिंग है इयररिंग्स है ये थोड़ी बाली टाइप इयररिंग्स है। इनका जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ है। ये 100 रुपीज़ का है रेड वाला। ये कॉटन फैब्रिक में है और इसमें काफ़ी कलर थे, पिंक था, ब्राउन था, ब्लैक था, बट मुझे रेड कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था इसलिए मैंने इसे ख़रीदा है। नेक्स्ट गाइस, मैंने एक ये स्कार्फ ख़रीदा है जिसे आप एज अ स्टॉल या आप फेस पर भी बांध सकते हैं जब भी आप धूप में बाहर जाएं। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब भी आप धूप में बाहर जाएं तो फेस को अच्छे से कवर करके जाएं जिससे आपका फेस ख़राब नहीं हो। जब मैं वहाँ पर घूमी तो मैंने फेस पे सनस्क्रीन तो लगा ली थी बट फेस को कवर नहीं किया, उस वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा सनटैन हो गया है जो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। नेक्स्ट गाइस, मैंने ये तीन रिंग ली हैं। इस बार मैंने सिल्वर ऑक्सीडेंट में नहीं ली है, स्टोन में ली है। मुझे स्टोन के रिंग भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और इनका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। इस टाइप के रिंग पहनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा किया जा सकता है। मुझे ये स्टोन काफ़ी अच्छा लगा और ये बहुत ज़्यादा चमकता है इसीलिए मैंने इसे ख़रीदा है। नेक्स्ट गाइस, मैंने एक ही ब्राउन कलर का बेल्ट लिया है।
मुझे इस टाइप के बेल्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं और आप भी इस टाइप के बेल्ट अपने पास रखिए, क्योंकि कोई भी ऐसी लूज़ ड्रेस होती है या कोई मैक्सी ड्रेस होती है जिसका साइज़ बड़ा होता है, तो उस ड्रेस के आप इस टाइप के बेल्ट बांधिए जिससे वो आपकी फ़िटिंग में हो जाएगी और ये बहुत ही सुंदर लगता है बांधने के बाद, और इसका प्राइस 50 रुपीज़ है। गाइस ये था आज का वीडियो, आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस मैं एक मिनी हॉल को उसी के साथ मिलाकर बनाने वाली थी, बट वीडियो बड़ी हो रही थी इस वजह से अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो गाइस आपको ये ज्वेलरी और ये एसेसरीज कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।